और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने वहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों को काफ़ी फायदे पहुँचाए। उन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने सोचा अगर ये मुख्यमंत्री रहते, मोदी जी इतना फायदा दे रहे हैं, अगर ये देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो फिर देश के ज़्यादातर संसाधनों को हम लोग अपने हाथ में ले सकते हैं। इसी के तहत उन्होंने एक प्लानिंग के तहत सोचा कि भाई इसके लिए मोदी जी की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और मोदी जी की ब्रांडिंग के लिए मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने सारे मीडिया हाउस को खरीद लिया। एक आध दो कुछ एक मीडिया हाउस को छोड़ दें तो ज़्यादातर बड़े मीडिया हाउसेस को बड़े बड़े पूंजीपतियों ने खरीद कर मोदी जी की ब्रांडिंग करनी शुरू की। आपको याद होगा 2013 के लास्ट से और 2014 के चुनाव तक लगातार टीवी पे उन सारे चैनलों पर ऐड आता था, बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत बढ़ गया भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन वापस आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपये आएंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे और हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। तो ये सारी वायदे उन सारे मीडिया चैनल को खरीद के बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया गया और उन प्रवक्ताओं के माध्यम से मोदी जी की ब्रांडिंग की गई और उसी का ये वजह थी कि लोगों के दिलो दिमाग पर मोदी जी का नाम छाप दिया गया और उसी का परिणाम था कि मोदी जी बहुमत से जीत कर सत्ता में आए। और उसके बाद से आप देखेंगे कि जितने वायदे उन्होंने किए थे कोई वायदा पूरा नहीं किया। तो जो बड़े बड़े पूंजीपति थे उन्होंने मोदी जी को कहा कि आपके IAS लोग जो हैं वो हमारी फाइलों को आगे बढ़ाने में, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने में बाधा बनते हैं, इसलिए आप लेटरल एंट्री से डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी हमारे लोगों को भर्ती कर दो तो उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ चूँकि जिनके पैसे पर ये सरकार चुनकर आई थी, अब वो जनता के प्रति जिन्होंने वोट दिया था उनके प्रति उनकी वफादारी नहीं है, देश के प्रति उनकी वफादारी नहीं है, उनकी वफादारी उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रति है जिनके पैसे के दम पर ये बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंची है और आज उन्हीं के लिए काम हो रहा है। आज आप देखें वो 70 साल गाते रहते हैं और कहते रहते ये नुकसान हो गया वो हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कम से कम मुझे ये बताए कि 70 सालों में सरकारों ने जो कमा के देश को दिया था, आप तो वो सारा बेच रहे हैं, आप ये बताएं आपने देश को क्या दिया? आपने रेलवे बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने तेल इतना महंगा कर दिया, आप किसानों के लिए कानून ऐसा लेके आए कि किसानों की खेती को भी छीनना चाहते हैं। एक जमाखोरी की सीमा होती थी, आपने जमाखोरी को लीगलाइज कर दिया, यानी कि जब जमाखोरी बड़े बड़े पूंजीपति कर लेंगे देश की फसल का, उसके बाद उसकी कीमतें कितनी ज़्यादा हो जाएंगी। और आपने कानून में व्यवस्था कर दी कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो किसानों को SDM कोर्ट में जाना पड़ेगा, SDM के पास टाइम नहीं है। साथ में आपने ये भी व्यवस्था की है कि जब तक एक साल में डबल रेट ना हो जाए तब तक केंद्रीय सरकार उसमें कोई दखल नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ जो चीज़ आज 20 रुपये की है वो एक साल में 39 रुपये की हो जाएगी और 2 साल के अंदर वही जो चीज़ है वो 75 रुपये की हो जाएगी और 3 साल के अंदर वही जो चीज़ है वो 250 रुपये की हो जाएगी और 4 साल में वो 20 रुपये वाली चीज़ वो 400 रुपये की हो जाएगी। इस तरीके से महंगाई का आपने प्रमाण पत्र बड़े बड़े पूंजीपतियों को देकर उनकी कोठरियों को भरने का इंजाम कर दिया है। इतनी वफादारी आप पूंजीपतियों के प्रति कर रहे हैं और इसीलिए आप लेटरल एंट्री के थ्रू ताकि ये IAS ऑफिसर्स आप बाधा ना बने, चूँकि IAS ऑफिसर कानून के हिसाब से देखता है कि कौन सी फाइल संविधान के हिसाब से जो चलनी चाहिए और कौन सी नहीं चलनी चाहिए। तो वो जो बाधा थी उसको दूर करने के लिए आप ये लेटरल एंट्री के थ्रू बड़े बड़े पूंजीपति के जो घराने से उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो एक्सपर्ट्स हैं आप वहाँ से उनको लाकर यहाँ लाना चाहते हैं और आप बहाना ये लगा रहे हैं कि भाई ये एक्सपर्ट लोग लाना चाहते हैं। क्या एक्सपर्ट लोग देश की सरकार में नहीं है? जी तो सर मुझे ये चीज़ बताइए कि यानी कि मीडिया इनकी, सत्ता इनकी, पूंजीपति इनके, अब जो एक अधिकारी वर्ग बसता है जिसमें हर जाति धर्म समाज के लोग आते हैं जो अलग अलग विचार रखते हैं, सही गलत का उनका अपना पैमाना होता है, उस चीज को भी कब्जा करने की कोशिश है तो फिर तो पूरा देश ही उनकी मुट्ठी में हो जाए। निश्चित तौर पे हम इतना खतरनाक है ये देश के लिए, ये देश के लिए बेहद खतरनाक है, ये देश के प्रजातंत्र को खत्म करने वाला है, ये देश के संविधान पर हमला है, ये देश की अस्मिता पर हमला है
और ऐसे लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते थे सही कहें तो ये देशद्रोही हैं, क्योंकि जो देश को बेच रहा वही तो देशद्रोही होगा, जो संविधान के खिलाफ काम करेगा वही तो देशद्रोही होगा, जो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठा रहा है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। अब जैसे दिशा रवि है, उसने ऐसा काम नहीं किया कि उसको जेल में डाल दिया जाए। आप देश के सारे युवाओं को जेल में डाल दोगे, सारे छात्रों को जेल में डाल दोगे जिन्होंने JNU पे हमला किया, उन गुंडों को आज तक आपने पकड़ा नहीं है, जिन्होंने उधर हमला किया उनको आपने नहीं पकड़ा, आप लोग छात्रों को पकड़ रहे हैं, आप लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे बनाकर झूठे उनको जेल में डाल रहे हैं, आपने भीमा कोरे गांव का खुलासा भी देख लिया कि किस तरीके से जांच होकर आई है कि उनके लैपटॉप से एक फर्जी मतलब मेल की गई, मेल मतलब कहीं और बैठ के कोई और कर रहा है उसमें प्लांट की गई, और उन्होंने इतने सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपने जेल में डाल दिया। मतलब आप लोगों ने ऐसा लगता है जैसे पूरे प्रशासन के साथ साथ आपने तो कोर्ट को भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा भयभीत कर दिया है कि आज उनके निर्णयों में भी न्याय नजर नहीं आता। तो सर, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और शायद इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम गांव-गांव में जा रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि एक ही तरीका बचा है देश के, अगर सब लोग जागरूक हो जाएं, सब लोग इस बात को समझ जाएं कि ये केंद्र की जो सरकार है ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, ये देश के सब चीज़ों को बेचने वाली सरकार है, अब देश को अगर बचाना है तो सबको एकजुट होकर संवैधानिक तरीके से रोड पर आना होगा, वो भी केवल किसानों के खिलाफ नहीं, जो ऐसा सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रभावित तो हर परिवार होगा ना, मुझे लगता है देश के सब लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ के एकजुट होकर इस सरकार का विरोध करना चाहिए जो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। सर आखिरी सवाल है मेरा, ये आंदोलन कब तक लेके चलेंगे आप लोग लेटरल एंट्री के खिलाफ? ये तो तब तक चलता रहेगा जब तक मोदी जी भारत के संविधान के हिसाब से काम करना शुरू नहीं करते, जब तक वो देश के संसाधनों को बेचना शुरू नहीं करते, जब तक वो लेटरल एंट्री को खत्म नहीं करते, जब तक वो किसानों से संबंधित तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेते, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा देश के लोगों से, जब भी आंदोलन होता है कि अपने गुंडों को भेज के कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं कि उस आंदोलन को सबोटेज करते हैं, हमें अब आंदोलन अपनी आंखों को खोल के करना है, संवैधानिक तरीके से करना है, न्यायपूर्ण तरीके से करना है, शांतिपूर्वक तरीके से करना है, कोई भी संविधान के विरुद्ध ऐसा काम नहीं करना, किसी साजिश का शिकार नहीं बनना, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के लोगों को एकजुट करके उनको जागरूक करके इतना जागरूक कर दो कि लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट ना दें।